अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल्स, कैसे हैं आप सब लोग। जितने भी टेलीग्राम यूज़र हैं उन सबको पता है कि इन दिनों टेलीग्राम में सर्वर का इशू आ रहा है। जब भी आप टेलीग्राम को ओपन करने की कोशिश करते हैं तो उसमें सिर्फ कनेक्टिंग लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है, ना ही आपकी चैट हिस्ट्री अपडेट होती है, ना आप कोई नया चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और ना ही कोई ग्रुप फॉलो कर सकते हैं और ना इवन कि आप किसी को मैसेज भी नहीं कर सकते। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये एरर टेलीग्राम सर्वर डाउन होने की वजह से है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको कोई ना कोई ट्रिक लगा के इसको यूज़ करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ तीन ऐसी यूज़फुल ट्रिक शेयर करने वाला हूं जिसके बाद आपके पास ये जो कनेक्टिंग एरर है ये बहुत ही आसानी से ख़त्म हो जाएगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कनेक्टिंग एरर टेलीग्राम का सर्वर डाउन होने की वजह से आ रहा है। जब तक ये ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको कोई ना कोई ट्रिक लगा के इसको इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, कोई ये बता रहा होता है, कोई वो बता रहा होता है, लेकिन आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही होती। तो यहाँ पे मैंने अपनी प्रॉब्लम सॉल्व की है। सॉल्व करने के बाद ये मैं आपके साथ वीडियो बना रहा हूँ। बेसिकली मैंने तीन ट्रिक्स को ट्राई किया है और ये तीनों ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। आपने इन तीनों ट्रिक्स को बारी बारी ट्राई करना है जिसके बाद आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वही तरीका आपने इस्तेमाल करके इस टेलीग्राम को यूज़ करना है। ओके, तो अगर आपके पास टेलीग्राम में कनेक्टिंग एरर आ रहा है और ये ठीक नहीं हो रहा तो आपने इस स्टेप को फॉलो करना है। इसके लिए सिंपली आपने अपने टेलीग्राम को ओपन करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास भी कनेक्टिंग ही आ रहा है क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ग्रुप्स हैं, चैनल्स हैं, तो उनकी नोटिफिकेशन आती रहती है। फर्स्ट स्टेप में आपने इस टेलीग्राम को क्लोज करना है। यहाँ से आप मिनिमाइज भी कर सकते हैं, मैक्सिमाइज भी कर सकते हैं। आपने टेलीग्राम की जो एप्लीकेशन इंस्टॉल की हुई है उसके ऊपर टच एंड होल्ड करना है तो आपके पास इस तरीके से कुछ ऑप्शंस आते हैं। सिंपली आपने ऐप इन्फो के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास ये वाला पेज ओपन होकर आ जाता है। अगर आपके पास एंड्रॉयड 10 या फिर 11 नहीं है तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन नहीं आएगा। दूसरा तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आपने इसको डाउन करना है और यहाँ पे आपने अपने सेटिंग्स पेज को ओपन कर लेना है। सेटिंग्स पेज को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ऐप्स एंड नोटिफिकेशन में आ जाना है। यहाँ पे आपने सी ऑल ऐप्स को ओपन कर लेना है और टेलीग्राम को सर्च कर लेना है, या फिर आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपके पास टेलीग्राम का ऑप्शन आ जाएगा, ऐप आ जाएगी, तो आपने उसको ओपन कर लेना है। यहाँ पे आपने इसके कैशे और स्टोरेज को क्लियर करना है। सिंपली आप स्टोरेज एंड कैशे क्लियर के ऊपर टैप करेंगे तो आपके पास इस तरीके से दो ऑप्शन आते हैं, क्लियर कैशे और क्लियर स्टोरेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्लियर कैशे के ऊपर टैप करना है तो कैशे क्लियर हो जाएगा और उसके बाद आपने क्लियर स्टोरेज के ऊपर क्लिक करना है तो आपके पास इस तरीके से ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे आपने क्लियर लोकल डेटाबेस के ऊपर टैप करना है और इसको क्लियर कर लेना है। उसके बाद आपने इसको ख़त्म करना है और दोबारा से अपने टेलीग्राम ऐप को ओपन करना है। अगर इस स्टेप के बाद आपके पास कनेक्टिंग एरर ख़त्म हो जाता है तो आपने हमेशा इसी स्टेप को फॉलो करना है। जब भी आपके पास कनेक्टिंग का एरर आए तो आपने क्लियर कैशे और क्लियर स्टोरेज कर लेनी है तो आपके पास ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास अभी भी कनेक्टिंग का एरर आ रहा है, तो हम चलते हैं अपने दूसरे स्टेप की तरफ। दूसरा स्टेप भी बहुत ही सिंपल और आसान सा है। सिंपली आपने टेलीग्राम को ओपन करना है और यहाँ पे टॉप लेफ्ट साइड पे जो तीन हॉरिजॉन्टल लाइंस आ रही हैं इसके ऊपर आपने टैप करना है और यहाँ पे आपने सेटिंग्स पे आ जाना है। सेटिंग्स में आपने थोड़ा सा नीचे आना है और यहाँ पे आपको डेटा एंड स्टोरेज का ऑप्शन मिलेगा। इसके ऊपर टैप करेंगे तो इस तरीके से आपके पास ऑप्शन आ जाएगा, ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे आपने थोड़ा सा नीचे आना है और प्रॉक्सी सेटिंग के ऊपर टैप करना है तो ये वाला पेज आपके पास ओपन होके आ जाएगा। इस पेज पे ऐड प्रॉक्सी के ऊपर अगर आप टैप करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होके आ जाएगा। आपने फर्स्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और यहाँ पे आपने सर्वर का एड्रेस देना है। सर्वर का एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको सर्वर का एड्रेस नज़र आ जाएगा। सिंपली आपने उसको कॉपी करना है। मैंने यहाँ पे एक मैसेज में इसको कॉपी किया हुआ है, पेस्ट किया हुआ है। सिंपली आपने इसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोबारा आपने अपने टेलीग्राम में आ जाना है। यहाँ पे इस सर्वर को आपने पेस्ट कर देना है, सर्वर एड्रेस को यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और उसके बाद यहाँ पे पोर्ट एड्रेस में आपने लिखना है 443। उसके बाद यहाँ पे आपने नीचे आ जाना है। यूज़र नेम आप कोई भी दे सकते हैं, फॉर एग्जांपल 123 मैं दे देता हूँ। उसके बाद आपने पासवर्ड में आ जाना है। पासवर्ड भी यहाँ पे आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपने उसको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद दोबारा से टेलीग्राम में आना है और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद सिंपली आपने इसको ओके करना है, टिक मार्क करना है। तो यहाँ पे आपके पास प्रॉक्सी चेकिंग का ऑप्शन आ रहा है। आपने वापस अपने टेलीग्राम पे आ जाना है और इसको आपने मैक्सिमाइज कर देना है या इसको ख़त्म कर देना है। इसको हम इस चीज़ की क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद दोबारा से यहाँ पे आपने टेलीग्राम को फिर से ओपन कर लेना है। जब आप टेलीग्राम को ओपन करेंगे तो आप देख सकते हैं कनेक्टिंग टू प्रॉक्सी का ऑप्शन आ रहा है। ये थोड़ा सा टाइम ले सकता है लेकिन नॉर्मली ये कनेक्ट हो जाता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद ये प्रॉक्सी आपको एरर देने लग जाती है।
अगर इस स्टेप के बाद आपकी जो प्रॉब्लम है, जो इशू आ रहा है, वो अगर सॉल्व हो जाता है तो आपने इसी स्टेप को फॉलो करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास ये वाला स्टेप भी काम नहीं कर रहा, आपके सामने ये कनेक्टिंग का एरर आ रहा है। ओके, तो थर्ड स्टेप में हमने कोई भी VPN को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे सिंपली आप प्ले स्टोर को ओपन करेंगे तो आपके पास बहुत सारे VPN, फ्री VPN आपको मिल जाएंगे। मैं पर्सनली सुपर VPN और टर्बो VPN यूज़ कर रहा हूँ। दोनों VPN बाज़ का एक अगर काम नहीं कर रहा होता तो दूसरे को यूज़ कर लेता हूँ, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सुपर VPN यूज़ करें, क्योंकि अगर आप सुपर VPN को यूज़ करते हैं तो ये टेलीग्राम में जो कनेक्टिंग एरर है बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो यहाँ पे सिंपली अगर आप सुपर VPN लिखेंगे तो आपके पास इस तरीके से एक लोगो आ जाएगा, इसको आपने डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने इसको डाउनलोड इंस्टॉल किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे मेरे पास ओपन का ऑप्शन आ रहा है। सिंपली अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसको ओपन करते हैं, तो आपके पास इस तरीके से एक इंटरफेस आता है। बहुत ही सिंपल सा इंटरफेस है, इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास इस तरीके से ओपन होके रेडी होके आ जाएगा। सिंपली आपने कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करना है और उसके बाद कनेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस तरीके से एक ऐड ओपन होके आ जाएगा। जाहिर सी बात है ये फ्री VPN है तो इसमें एड्स तो होंगे। आपने इसको ख़त्म करना है और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास कनेक्टेड है और डिसकनेक्टेड का ऑप्शन आ रहा है। डिसकनेक्टेड का ऑप्शन तभी आएगा जब आपके पास कनेक्ट होके आ जाएगा। ओके, तो जब ये आपके पास कनेक्ट हो जाए तो आपने इसको बंद कर लेना है, मैक्सिमाइज कर लेना है। ओके, तो अब फिर से हम टेलीग्राम को ओपन करते हैं। जब आप ओपन करेंगे तो यहाँ पे कनेक्टिंग टू प्रॉक्सी का ऑप्शन आएगा। सिंपली आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और यूज़ प्रॉक्सी को क्लोज कर देना है। जैसे ही आप प्रॉक्सी को क्लोज करेंगे, वापस आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास कनेक्टिंग का प्रॉब्लम जो था, जो एरर आ रहा था, वो ख़त्म हो चुका है और यहाँ पर हमारी चैट्स भी अपडेट हो रही हैं, यहाँ पर आप सिंपली देख सकते हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आपने इन तीनों स्टेप्स को बारी बारी फॉलो करना है, तीनों स्टेप्स को ट्राई करना है। जिस स्टेप के बाद भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती है आप उस स्टेप को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको यूज़ करके आप टेलीग्राम को यूज़ कर सकते हैं। तो होप सो ये टिप्स एंड ट्रिक्स आपको अच्छी लगेंगी और इस ट्रिक के बाद आपके पास टेलीग्राम में जो कनेक्टिंग एरर आ रहा है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इस वीडियो का आपने ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।